हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बलौदाबाजार और भिलाईगढ़ में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर पर दिया धरना, राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन। बिलासपुर के मंथन सभागार में प्रमुख सचिव की बैठक, पांचों जिले के आला अधिकारियों की बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हुई व्यापक चर्चा। और परिवार को जलाकर मारने की साजिश के तहत घर में लगाई गई आग, मां और उसके दो बच्चे झुलसे, बिलासपुर रेफर। पामगढ़ की घटना पुलिस जुटी जांच में। पंचायत अपर प्रमुख सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में मंथन सभागार में पांचों जिले के आला अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर व्यापक चर्चा हुई। एनजीजीपी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और योजनाओं पर प्रमुख सचिव ने प्रकाश डाला। पत्रकारों से आरपी मंडल ने बताया कि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से लिया गया है। अपर प्रमुख सचिव आरपी मंडल ने संभाग के पांचों जिले के जिला और जनपद पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आरईएस विभाग, इंजीनियर, राज्य मुख्यालय के आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। आरपी मंडल ने बताया कि ग्रामीण जनजीवन को स्वावलंबी के साथ विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट एनजीजीबी यानी नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी मील का पत्थर साबित होगा। इस बैठक में हमने सभी यहाँ के संभाग के पांचों ज़िलों के सीओ, ज़िला पंचायत, सभी जनपद पंचायत के सीओ, आरईएस के इंजीनियर्स और हमारे राज्य के मुख्यालय के अधिकारी आए थे। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है एनजीजीबी, नरवा, गरुआ, बाड़ी, इस चीज़ के क्रियान्वयन के लिए हम लोग यहाँ आए थे। इसकी हमने कार्यशाला रखी, सभी अधिकारी को बताया कि इसमें क्या क्या काम करना है। मुख्य रूप से गांव में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके पानी को रोकने का, उसको संरक्षण करने का काम करना है। उसके बाद जो फ्री एनिमल्स होते हैं ना, जो जानवर जो होता है गांव के, गौठान बना के उसको एक जगह रखने का है, ताकि एक फसल की जगह हम लोग दो फसल दे सकें। जांजगीर के न्यू बस स्टैंड तक बसों के नहीं पहुंचने से यात्री परेशान हो रहे हैं। बसें बस स्टैंड तक जाने के बजाय चौक चौराहे से ही चली जाती है। मजबूरन यात्रियों को अधिक पैसे खर्च कर ऑटो से सफर करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बाद आरटीओ ने बस मालिकों को नोटिस जारी किया है। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय जांजगीर में यात्री प्रतीक्षालय तो है, लेकिन यह किसी काम का नहीं रह गया है। केरा रोड में वर्ष 1998 में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। शुरुआती दौर में यहां बसें पहुंचती थीं और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चला, लेकिन कुछ साल के बाद बस संचालकों की मनमानी शुरू हो गई। इसके बाद से शिकवा शिकायतों का दौर चालू है। बीच बीच में अधिकारियों के निर्देश पर कुछ दिन यहां बस ले जाने की खानापूर्ति के बाद फिर निजी बस के संचालक मनमानी पर उतर आते हैं। अभी फिर लंबे समय से ऐसी ही मनमानी चल रही है। नए बस स्टैंड तक बसें ही नहीं पहुंच रही, जिसके कारण बस स्टैंड में वीरानी छाई रहती है। बस के ड्राइवर नेताजी चौक और कचहरी चौक से ही आगे बढ़ जाते हैं। केरा रोड की ओर चलने वाली कुछ बसों के अलावा बाकी किसी भी रूट की बसों के स्टैंड तक नहीं पहुंचने से यात्री हलाकान हो रहे हैं। मजबूरन लोगों को ज्यादा पैसा देकर ऑटो से सफर करना पड़ता है। नगर पालिका अध्यक्ष भी मानती है कि स्टैंड तक बसों के नहीं पहुंचने से यात्री परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर और परिवहन विभाग के अधिकारी को स्थिति से अवगत कराते हुए समस्या का हल निकालने की बात कही है। लोगों की शिकायत पर परेशानी को देखते हुए आरटीओ ने बस संचालकों को नोटिस जारी किया है। परिवहन अधिकारी का कहना है कि इसके बाद भी बसों के स्टैंड तक नहीं पहुंचने पर बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय जांजगीर
न्यू बस स्टेशन का व्यवस्था तो बना दिया गया है, जिसमें कभी कोई बस चारों तरफ से जो बस आती है वो स्टैंड में नहीं रुकती है, और इससे हम जैसे पैसेंजरों का ऑटो से जाना पड़ता है जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है। मैं प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि वहाँ बस रुकवाने की व्यवस्था करें ताकि हम सभी पैसेंजरों का दो पैसा बच सके और आने जाने में जो दिक्कत वो दूर होगी। इसके बारे में कंप्लेंट मिला था मेरे को, और जैसे ही कंप्लेंट मिलने के बाद जो बस मालिक हैं उनको नोटिस दिया गया है। हाँ, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, परमिट शर्तों के उल्लंघन पे कार्रवाई होगी उनके। जो प्राइवेट बस है या निजी बस जो भी है वहाँ से चलती है, जैसे चांपा से आती है तो सीधा कचहरी चौक होते हुए उधर बलौदा या बिलासपुर तरफ निकल जाती है, इधर आती है जैसे कलतरा से या बिलासपुर से वो भी सीधा कचहरी चौक होते हुए वहाँ चांपा तरफ निकल जाती है, तो यात्रियों को तो परेशानी होती है, मैं मान रही हूँ उसके बारे में। लेकिन जब भी हमारी अभी अगली बैठक होगी कलेक्ट्रेट में, तो परिवहन विभाग से और कलेक्ट्रेट से मैं कलेक्टर सर से चर्चा करके ये बस का जो परिचालन वही से हम लोग करेंगे, ताकि न्यू बस स्टैंड में बस आए रुके और जो भी हमारे यात्री हैं यहाँ जांजगीर के लिए या कहीं और अन्य गांव से आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जगदलपुर में यातायात पुलिस द्वारा 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आईजी बस्तर रेंज विवेकानंद सिन्हा, अध्यक्षता महापौर जतिन जायसवाल और विशिष्ट अतिथि कमिश्नर बस्तर धनंजय देवांगन थे। कार्यक्रम में एसपी बस्तर डी श्रवण ने कहा कि हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, 14 से 15 लाख पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर परिवार की जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि कमिश्नर बस्तर धनंजय देवांगन ने कहा कि पालक युवाओं पर निगरानी रखे, अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। महापौर जतिन जायसवाल ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि यह सप्ताह ट्रैफिक विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार जहां बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए रोज नए नए प्रयास कर रही है, वहीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से माध्यमिक शाला चरचरी के बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहां शासन द्वारा वर्ष 2009 में भवन की स्वीकृति हुई थी, तत्कालीन सचिव के द्वारा इस भवन का निर्माण कराया जा रहा था, इसी बीच सचिव का स्थानांतरण हो गया और भवन आज तक अधूरा है। वर्ष 2009 में ही यहां एक अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुआ, जिसका निर्माण स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही कराया जा रहा था, जो कि आज तक अधूरा है। हमारे संवाददाता देवेश दुबे ने जब इस संबंध में यहां के सरपंच से बात की तो सरपंच ने बताया कि इन दिनों भवनों की राशि का अधिकारियों के द्वारा गबन कर लिया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सरपंच द्वारा बताया गया कि इस स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ है, परंतु तीनों शिक्षकों के द्वारा लापरवाही बरती जाती है। आज यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। बीईओ से शिकायत करने पर कोई शिक्षक जाने को तैयार नहीं होता कहकर टाल दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा के शिकार माध्यमिक शाला चरचरी के बच्चों को स्कूल भवन और बेहतर शिक्षा की सौगात कब मिलती है। ये बताओ, आज तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक आए हुए हैं यहाँ? कोई नहीं आया है। तो मध्याह्न भोजन वगैरह खाना वाना खाई तुम लोग? जी। कौन बनवाया था खाना? अच्छा, प्राइमरी स्कूल के जो गुरुजी हैं जी। अच्छा, ये बताओ तो ये शिक्षक नहीं आए हैं तो तुम लोग आज कैसे करोगे पढ़ाई वढ़ाई? नहीं आए हैं पढ़ाई तो कहाँ होंगे सर। तो कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? कुल प्राइमरी से लेकर मिडिल तक? नहीं, केवल मिडिल में। मिडिल में एक? एक नहीं, रजिस्टर में तो 3 शिक्षक हैं मैं देख रहा हूँ। एक तो सर आते हैं तो लोग जानते हैं, और बाकी 2 लोग आते ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं आते। नहीं। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई तुम लोगों का कैसे, कौन करवाता है? एक ही शिक्षक कराते हैं जी। क्या नाम है उनका शिक्षक का? श्री जय सिंह कुरे। आज वो भी नहीं आए हैं? नहीं। चरचरी माध्यमिक शाला के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 2 भवन स्वीकृत है जी, और दोनों के दोनों भवन अभी तक अधूरे हैं। लगभग 5-6 साल पहले ये स्वीकृत हुआ है जी, तो अभी तक ये भवन कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ, क्यों पूरा नहीं हुआ आखिर ये भवन? अब सर मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। मैं अभी 2015 जनवरी से मान लीजिए बभनी पंचायत से अलग पंचायत बना जी, और
पंचायत बनने के बाद इसका मैं खोज पछाड़ करने लगा कि भाई इसका पैसा कितना है, फाइल कहाँ है, कौन बनवाएगा, कैसे करेगा जी। तो इसका फाइल भी नहीं मिल पाया जी। और इसमें रामा सचिव बनवा रहे थे पहले से जी, बभनी पंचायत था तो जी, सुकृति हुआ था, सुकवरिया सरपंच थे, इसके बाद भगवान सरपंच जी, फिर अलग हुआ तो मैं बना। मतलब आप तीसरे सरपंच जी, और भवन वैसी का वैसी अधूरा पड़ा, हाँ अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो सरपंच जी अगर आप प्रयास किए होते तो इस भवन को तो प्रस्ताव बना के, गांव के आप मुखिया हैं, पंचायत में प्रस्ताव पास करा के भी चाहते तो पूर्ण करा सकते थे। हाँ। क्यों आपके द्वारा क्यों पूर्ण नहीं कराया गया इस? देखिए मैं इसको बिल्कुल, मेरे को इतना दुख लगता है कि हमारे माध्यमिक शाला के बच्चे बाहर पढ़ते हैं जी, और मैं इसके बारे में बहुत दौड़ धूप किया, हमारे राम सेवक पेकरा जी गृह मंत्री थे, उनको कई बार अवगत कराया, उनके पास कई बार आवेदन दिया जी, और रिवाइज के लिए मैं इसका प्रस्ताव भी बना के जिला तक भेज दिया जी, लेकिन इसका आ ही नहीं रहा है पैसा वैसा सुकृति। तो पंचायत इतना छोटा है कि उतना पैसा भी नहीं है कि मैं इसको बनवा सकूं जी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपको लगता क्या है कि इन भवनों में भ्रष्टाचार हुआ है क्या कहीं पे, इन भवनों के निर्माण? हाँ तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए नहीं बन पाया है, अधूरा पड़ा है। सरपंच जी, जब शिक्षकों की कमी के बारे में आप बीओ साहब से बात किए तो क्या उत्तर मिला बीओ साहब की तरफ से आपको? बीओ साहब बोले कि सरपंच जी ठीक है, मैं चंद्रा को भेज सकता हूँ जी, बाकी दूसरे लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं चरचरी में जी। हाँ, वहाँ आने जाने में दिक्कत होता है, रोड का समस्या, नदी वदी है, इसके चलते वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, केवल मैं चंद्रा जी को भेज सकता हूँ जी। हाँ, क्योंकि उनका मूल चंद्रा जी को भी नहीं भेजे, वो नहीं भेजे। अच्छा, और दूसरे शिक्षकों की मांग किए थे नागेंद्र दुबे के जगह पे, तो क्या बात की थी, क्या बोले थे? बोले कि वही बोले कि कोई जाना नहीं चाहते हैं तो मैं किसको जबरदस्ती भेजूं। अच्छा सरपंच जी, आपको क्या लगता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? हो रहा है ना सर, बच्चे बताइए घर से आ रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, बहुत मार्गदर्शन करने के लिए कोई शिक्षक नहीं है यहाँ पे। हाँ। सारे शिक्षक गायब है मान के चलिए, तो कैसे होगा इनका शिक्षा दीक्षा? आप मुखिया है, आपको कुछ सही बात है ना, मेरे को बहुत दुख लगता है ना, यहाँ बच्चे लोग बताइए मध्याह्न भोजन खा के जा रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे जी, जबकि शिक्षक रहते कम से कम कुछ तो पढ़ाते। चलिए ठीक है। रायगढ़ में आशीर्वाद महिला मंडल द्वारा वार्ड क्रमांक 6 आशीर्वादपुरम कॉलोनी में 10 दिवसीय संगीतमय रामकथा का शुभारंभ किया गया। कसडोल बलौदा बाजार से पधारे पंडित आदित्य किरण चतुर्वेदी जी के श्रीमुख से आयोजित होने वाली इस रामकथा का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व पूजा अर्चना से प्रारंभ हुआ। आशीर्वाद महिला मंडल ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि 10 दिनों तक आयोजित होने वाले इस संगीतमय रामकथा के श्रवण के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य के भागीदार बने। आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन आज हुआ, आज मंगलाचरण ग्रंथ परिचय ग्रंथ महिमा इस पर चर्चा हुई, और कल जो है शिव चरित्र पर चर्चा होगी, सती प्रसंग है, उसके बाद शिव पार्वती विवाह होगा, तो कल शिवा पर चर्चा होगी, उसके बाद परसों जो है राम जन्म अवतार के कारण इस सब पर चर्चा होगी, और आखिरी में हम राम जन्मोत्सव मनाएंगे। जी टाइम से आप लोग आप करते रहे जी जी, बताएंगे कि लोगों में रुचि कितनी बढ़ी है या घटी है, इस बारे में कुछ बता दें। नहीं, रुचि तो बढ़ रही है जी, लोगों की धर्म में रुचि बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि घट रही है, कथा में राम कथा में कृष्ण कथा में सब में रुचि बढ़ रही है, लोगों की घट नहीं रही है जी। 9 दिन का आयोजन है, इसमें राम कथा का वर्णन होगा संगीत में, संगीत का टीम बहुत अच्छी है, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कथा सुना रहे हैं, संगीत टीम भी अच्छी है, समय अनुसार जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से संगीत दे रहे हैं, और इस प्रकार का आयोजन होना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का प्रयास जो है सफलीभूत हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों से क्या होता है कि हमारे समाज में जो व्याप्त कुछ रूढ़ियां हैं उसका कई चीज़ हमको मालूम नहीं होता, रामायण तो सब पढ़ते होंगे लेकिन कई चीज़ मालूम नहीं होता है, वो चीज़ यहाँ स्पष्ट होती है पंडित जी के व्याख्या करने से, और जो कुछ चीज़ें नहीं भी जानते हैं उसकी जानकारी होती है, और जो जानते हैं मगर शंकास्पद है वो क्लियर होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग अपने इस प्रकार से
अपने संस्कृति संस्कार के बारे में सही जान के उसमें अपने उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक नैतिक रूप से समाज में बदलाव आता है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। आप लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। देश भर में अधिवक्ताओं द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर रखा गया है। इसी क्रम में बलौदाबाजार और भिलाईगढ़ के वकील भी न्यायालय परिसर में धरना दिए और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 अधिवक्ताओं ने धरने पर बैठ प्रदर्शन किया। हालांकि अधिवक्ताओं के धरने के चलते न्यायालयीन कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कोर्ट में अपने कामों को लेकर पहुंचे हुए आम लोग भी परेशान रहे। न्यायालय परिसर में पहुंचे व्यक्ति इधर से उधर भटकते नजर आए। वहीं अधिवक्ताओं की 10 सूत्रीय मांगों में सांसद द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम किए जाने तथा अधिवक्ता संघ भवन, निवास स्थान, बैठक व्यवस्था, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और अन्य मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में SDM को ज्ञापन सौंपा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तत्वाधान में आज 12 फरवरी 2019 को अधिवक्ताओं के कल्याणकारी 10 सूत्रीय मांग को लेकर आज एक दिवसीय न्यायालयीन कार्य से विरत रहते हुए समस्त अधिवक्तागण अपना काम बंद करके अपने मांगों को लेकर के एक दिवसीय कार्य पर हैं। और हम लोग, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, तो पहला ये है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज, एवं दूसरा है अधिवक्ताओं को मुफ्त चिकित्सीय एवं मेडिक्लेम, और जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनकी जो है वकालत पेशा 5 वर्ष से कम है उनको 10,000 रुपये का स्टैपन, और हमारे जो वृद्ध एवं निर्धन अधिवक्ता है जिनकी असामयिक मृत्यु होने पर कम से कम 50,000 रुपये प्रतिमा फैमिली पेंशन प्रदान किए जाने के संबंध में है, और अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु केंद्रीय अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किए जाने के संबंध में है, और छठवां है मुफ्त ब्याज होम लोन, लाइब्रेरी एवं वाहन से संबंधित लोन है वो जो है मुफ्त में प्रदान किए जाए, और किसी कारणवश दुर्घटना, हत्या या गंभीर बीमारी से 65 वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में 50,000 रुपये राहत राशि प्रदान किए जाने के संबंध में, एवं अन्य और हमारी जो मांगे हैं उसके संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे राज्यपाल एवं अनुभागीय अधिकारी भिलाईगढ़ के माध्यम से ये मांग पत्र प्रेषित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इस तरीके से हमने अनुभागीय अधिकारी को अभी ज्ञापन सौंपा है जो हमारे मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी तक प्रेषित करेंगे। मन में ये कहना है कि जो 10 सूत्री मांग है हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में, जो ये आज हम हड़ताल यहाँ पे, पूरा भारत बंद है इस संबंध में और भारत में पूरे जगह हड़ताल है, तो इस माध्यम से हम प्रधानमंत्री के जेहन में ये बात लाना चाहते हैं कि अधिवक्ता भी एक इंसान है और उनके बारे में, उनके बजट में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के बारे में कोई भी योजना बनाई ना किसी प्रकार का कोई बजट उनके बारे में दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें कि अधिवक्ता भी निर्धन है, एक मजदूर को आप 6,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी दर देने के लिए तैयार हैं, है ना, ये राज्य से हुआ है, इसी तरह अपना केंद्र सरकार से हुआ है कि 3,000 रुपये उनके खाते में आएगा, पर अधिवक्ता भी गरीब हैं। कई अधिवक्ता ऐसे हैं कि 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, है ना, उनकी स्थिति दयनीय है, तो क्या अधिवक्ता ये भारतवर्ष के नागरिक नहीं हैं और उनको भी अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त करना चाहिए या नहीं चाहिए। इन सारी बातों को हम 10 सूत्री पॉइंट बनाए हैं जो उसके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के भी उसके लिए सोचें कि उनका भी भविष्य उज्जवल रहे। बिलासपुर पुलिस ने भालू का शिकार कर उसके अंग बेचने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृत नर मादा भालू की खाल, पंजा और नाखून के साथ शिकार में इस्तेमाल की गई 2 कुल्हाड़ी भी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में जहां 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है, वहीं भालू के अंग बेचने के आरोप में फार्मेसी पढ़ने वाले 2 छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार बलरामपुर के जंगल में कुछ दिनों पहले शिव सागर रविंद्र कुमार और रमेश कुमार ने मील के मादा भालू का शिकार किया और फोन पर सिद्धि विनायक कॉलेज में फार्मेसी पढ़ने वाले आशुतोष और आकाश पटेल से संपर्क किया, जिसके बाद फार्मेसी के छात्रों को भालू के अंग बिलासपुर लाकर देने के एवज में शिकारियों को 2 लाख रुपए देने की बात कही। पैसों के लालच में शिकारी जब भालू के पंजे और खाल को लेकर बिलासपुर पहुंचे तो मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा और भालू के अंग जब्त कर लिए। फिलहाल पुलिस ने मामले की सूचना वन विभाग को दे दी है और सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में एक परिवार को जलाकर मारने की साजिश के तहत पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी गई। गनीमत रहा कि जिस वक्त घर में आग लगी परिवार के दूसरे तल में रहने वाले बाकी के सदस्य उठ गए और समय रहते आग बुझा लिया गया, मगर इस आगजनी में महिला और उसके बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। परिजनों के मुताबिक एक बार पहले भी इस तरह की नाकाम कोशिश की जा चुकी है। इस मामले में पामगढ़ पुलिस जांच में जुट गई है। पता नहीं, कुछ लोग आए थे और यहाँ पे मिट्टी डाल केरोसिन छींच के आग लगा के चले गए। कैसे पता चला? आग लगा, फिर मौसी मेरी थी, वो जोर से चिल्लाई, फिर मैं भी उठा और पानी ला के उसको बुझाने लगा। ये थाना पामगढ़ क्षेत्र का मामला है। थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सद्भावना भवन के सामने वंदना टंडन नामक महिला जो किराए के मकान में रहती थी, आज थाने में सूचना दी गई कि उसके मकान में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया है, जिस पर से वंदना टंडन और उसके घर में 2 अन्य रिश्तेदार जो वहाँ थे, तीनों को कुछ कुछ आग से जलने से चोटें आई हैं, जिस पर से उनको पामगढ़ हॉस्पिटल लाया गया है। वंदना टंडन की स्थिति गंभीर होने से उसे सिम्स रेफर किया गया है। सूचना पर से थाना पामगढ़ में 436-324 भादावे के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है और मामले में विवेचना जारी है। आरोपी अभी अज्ञात है, किसने आग लगाया पता नहीं चल पाया है, पतासाजी की जा रही है। बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर गंभीरता दिखाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश सभी थाना एवं चौकी प्रभारी को दिया गया था, जिसके पालन में पुलिस चौकी लवन द्वारा आरोपी ताम्रध्वज को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा चौकी लवन में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वह अपने पति एवं अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से अपने ग्राम खेंदा जा रही थी। तभी खेंदा जाने वाली कच्ची सड़क में आरोपी ताम्रध्वज वर्मा अपने मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके मोटरसाइकिल को सामने अड़ाकर रोककर पीड़िता को बेइज्जत करने के आशय से हाथ पकड़कर खींचने लगा। पीड़िता एवं उसके पति द्वारा विरोध करने पर अश्लील गाली गलौज और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चौकी पर उपस्थित था, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ग्राम खैंदा के पति पत्नी गाथा पार से सामाजिक कार्यक्रम से वापस अपना घर खैंदा आ रहे थे कि जैसे कुम्हारी से खैंदा जाने वाले कच्ची सड़क पर पहुंचे कि ग्राम खैंदा के ताम्रध्वज वर्मा प्रार्थिया के मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रास्ता अड़ाकर रोक दिया और प्रार्थिया से छेड़छाड़ करने की सूचना पर तत्काल स्टाफ ले जा करके घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। उस जगह पर जाकर के प्रार्थिया की स्थिति को देखा, उसे सहानुभूतिपूर्वक तत्काल चौकी आने के लिए लेकर के आया। आने पर प्रार्थिया द्वारा अपने ऊपर जो घटना घटी उसका बयान किया, तत्काल कार्यवाही किया और आरोपी को पता साझी कर दिनांक 11 तारीख पता साझी कर गिरफ्तार कर छेड़छाड़ का अपराध पंजीकृत करके जेल दाखिल किया। कोरिया जिले के चिरमिरी न्यायालय में अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को अनुविभागीय दंडाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। अधिवक्ताओं के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता कल्याण हेतु स्वीकार किए जाने तथा लागू किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया और मांगों पर विचार करने के पश्चात पूरा करने की प्रक्रिया करें।
अन्यथा अधिवक्ता संघ उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। इसके पश्चात अधिवक्ताओं ने आज न्यायालय में किसी भी प्रकार का कार्य न करने का फैसला लिया है। अधिवक्ताओं की 10 सूत्री मांगों में से प्रमुख अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने, बीमा कवरेज, कार्यक्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि है। अधिवक्ता संघ द्वारा 10 सूत्री मांगों को प्रधानमंत्री के माध्यम से घोषित करने के लिए 10 सूत्री मांग रखी गई है। इसमें पहली मांग यह है कि जो अधिवक्ता नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं उनके निधन पश्चात उनके परिवार को 20 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अभी वर्तमान में जो हमको जो मिलता है वो 1.5 लाख से 3 लाख रुपये है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए दूसरे की वो मांग की गई है। दूसरी मांग ये है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं प्रैक्टिस में उनको 10,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में 5 साइकिल दिया जाए और अधिवक्ताओं को रहने के लिए आसान किस्तों में ग्रीन उपलब्ध कराया जाए। ऐसी तरह की 10 मांगों को लेकर के अधिवक्ता संघ आज शांतिपूर्ण तरीके से समस्त बार अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन बृहद रूप में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा जिससे शासन प्रशासन को इस मांग को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सके। ये पूरे भारत वर्ष की अधिवक्ता है इसके आंदोलन में शामिल। कोरिया जिले के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एक महिला की भालू के हमले से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला के मौत के बाद डॉक्टरों द्वारा बिना पोस्टमार्टम किए परिजनों को महिला की लाश घर ले जाने की बात कहकर सौंप दिया। मृतिका के परिजन लाश को बैकुंठपुर से अपने घर ले आए और 2 दिन बाद खड़गवा थाने में इसकी सूचना देने के बाद पुलिस के द्वारा खड़गवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी दी गई, जिसके बाद आज तीसरे दिन मृत महिला का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के द्वारा किया गया। पूरा मामला खड़गवा विकास खंड के ग्राम बर्दर का है, जहां 45 साल की महिला सोन कुंवर के ऊपर 25 दिसंबर 2018 को भालू ने हमला कर दिया था। घायल सोन कुंवर को खड़गवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। 7 दिन बाद सोन कुंवर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और एक इंजेक्शन लगाने के लिए 7 दिन बाद बुलाया गया था। लगभग 1 महीने के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई तो इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला सोन कुंवर की मौत 10 फरवरी को हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किए बिना ही परिजनों को लाश सौंप दिया गया। परिजन महिला की बॉडी को अपने ग्राम बर्दर ले आए, 2 दिन तक लाश घर में ही रखे और इसकी जानकारी खड़गवा पुलिस को दिए। कब काटे रहे? बता रहा हूँ 24 दिसंबर। फिर क्या हुई? फिर उसी दिन फिर काटा तो उसी दिन रिफर किए यहाँ अस्पताल में 108 को। वो आया उसी में रात को ले आए, यहाँ 3 बजे पहुँच गए। फिर क्या हुआ? भर्ती करवाए वहाँ एडमिट रहे या 7 दिन तक। 7 दिन के बाद छुट्टी हुआ। फिर इसके बाद फिर छुट्टी कर दिए, जाओ कहीं से। फिर 8 दिन के बाद आना, एक इंसान और लगेगा। फिर भाई ठीक रही उस समय, फिर वह 8 दिन के बाद अकेली फिर सुई लगाने आई। फिर क्या हुआ? चलेगी बढ़िया। फिर वापस घर है, घर जाने के बाद फिर यह जिला अस्पताल में कब भर्ती करवाए? जिला अस्पताल में कब भर्ती करवाए? ये तो अभी 9 फरवरी को। फिर क्या हुआ? वहाँ भी थोड़ा लिखने पढ़ने पूछे क्या हुआ, बताए ये सब काटे थे भाले सब यहाँ से दर्द करके। खत्म कब हुई? उसी दिन दशे को, दशे को वहाँ पहुँचे सवेरे। यहाँ 1 महीने पहले भालू काटा था तो हमारे अस्पताल में भर्ती थी, इनका इलाज चला, कुछ ठीक हुई, फिर बैकुंठपुर चली गई थी। पर वहाँ पर जो है मतलब इन्होंने समय पर घर जाने पर जो दवाई वगैरह नहीं ली है तो सेप्टिसेमिया हुआ, उसके बाद शॉक से इनका डेथ हो गई। डेथ हुई है 10 तारीख को, 10 फरवरी 2019। सर तो 10 तारीख को जिला अस्पताल में पीएम नहीं हुआ, आज कर रहे, तीसरे दिन पीएम कर रहे, क्या जिला अस्पताल में सेप्टिक शॉक की वजह से नहीं हुआ। वहां के डॉक्टरों ने मुक्तांजलि वाहन के जरिए इनको भिजवा दिया था घर,
लेकिन फॉरेस्ट वालों ने बाद में इन्फॉर्म किया कि पीएम करना है तभी जो है पैसा मिलेगा, मतलब गांव वालों को। तो सर तीन दिन से बाद ही तीन दिन से बॉडी घर पे रखा हुआ, पीएम नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? देखिए इसके जिम्मेदारी की बात यह है कि किसी को परेशान करना या किसी को वो करना ना तो स्वास्थ्य विभाग का काम है ना पुलिस विभाग का काम है। तो जो तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया गया, मैं आया और इनका पीएम करके एज अर्ली एज पॉसिबल इनके परिवार वालों की मदद करने की हमारी पूरी कोशिश है। खड़गवा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी और महिला की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए कहा, जिसके बाद आज तीसरे दिन खड़गवा अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा लाश का पोस्टमार्टम किया गया। चूंकि भालू के हमले से महिला की मौत हुई थी तो वन विभाग अमला भी पोस्टमार्टम स्थल में मौजूद रहे। बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला के मौत के बाद जिला अस्पताल को स्थानीय थाने में इसकी सूचना नहीं देनी चाहिए थी और क्या कारण था कि बिना पोस्टमार्टम के ही लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। बड़दर की महिला थी सोन कुमार और हमको रात में सूचना मिली कि इस महिला का जो है 25 दिसंबर 2018 को भालू काट दिया था, जिसका उपचार कराया गया था, बाद में उनको बेड रेस्ट के लिए भेज दिया गया था। फिर पुनः इसमें फिर से परेशानी होने लगी उनको शरीर में, तो ये जिला अस्पताल इनको ले गए थे और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था इनका बैकुंठपुर में। और ट्रीटमेंट के दौरान 10 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात फिर इनको जो है डेड बॉडी से पुट कर दिया गया था वहां से, और ये जो है कल रात में आकर के हमको थाने में सूचना दिए थे कि जो है इलाज के दौरान बैकुंठपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी और हम डेड बॉडी को ले आए थे। तो इसके पश्चात जैसे ही हमको सूचना मिली थाने में, हमने जो है सूचना इंटीमेशन चार्ज करने के पश्चात पंचनामा कार्रवाई कर तो पीएम करा दिया। INN 24 के लिए जिला कोरिया से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 के साथ। INN 24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.